वेलकम बैक टू आवर चैनल टीडी फैमिली ब्लॉग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे आशा करते हो। मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा तबीयत सही नहीं है, सर्दी काशी हो गई, तो पता चल गया होगा आप लोग मेरे आवाज़ सुन के। मेरे आवाज़ इतनी क्लियर नहीं हो रहा है, तो खांसी भी थोड़ा थोड़ा हो रही है। इसलिए आज है ना, मैं चाय तो वैसे ही पीती नहीं हूँ, लेकिन बाबा गुड मॉर्निंग बोलो। तो कल तो लक्ष्मी पूजा है, तो घर ठीक ठाक करना है, आज पूरा सब सफाई करना है लक्ष्मी पूजा के लिए। तो आज है ना, मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, लेकिन अभी सर्दी की वजह से है ना गले में भी दर्द हो रहा था, तो इसलिए चाय पीने का बहुत मन कर रहा है आज। तो अभी रोटी के साथ मैं चाय पीऊँगी, रोटी बनाऊँगी अभी मैं। तो चाय तो मैंने सड़ा दिया है, तो अभी रोटी बनाना है गाइस। तो आप लोग देखना, यहाँ पे मैंने रेडी करके रखा है, इतनी ज़्यादा धूप है ना। देखो रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा रख दिया है, चले आटा। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी गाइस। तो आप लोग देखना, तावा भी यहाँ पे रख दिया है, रोटी साइन चला दिया है। तो कल तो लक्ष्मी पूजा है, आज शाम से मैं क्या बोलते इसे वेज नॉन वेज, मतलब वेज खाएंगे, नॉन वेज नहीं बनाएंगे आज से, मतलब शाम से रात 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 से। तो ऐसे ही मतलब निरामिष बोलते हैं हम लोग, निरामिष खाएंगे। कल लक्ष्मी पूजा है, गांव में भी नहीं जा सकते, घर में भी, तो वैसे भी क्या करने हैं, गांव में जाके घर में जाके मेरे ससुराल में जाके है ना कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं नहीं जाती। क्योंकि मेरे घर पे है ना सब क्रिश्चियन है, सिर्फ मैं ही हिंदी हूँ, मेरा हस्बैंड और मैं हिंदी हूँ, और बाकी मेरे सास ससुर देवर जेठा देवर देवरानी सब जेठानी तो नहीं है मेरी, मैं सच्ची घर की बड़ी बहू हूँ। तो सब क्रिश्चियन है, तो लक्ष्मी पूजा नहीं, हिंदू पूजा नहीं करते ये लोग, नहीं मनाते, इसलिए मैं नहीं जाती घर। यहाँ पर मैं मनाएंगी, छोटा सा है घर, लेकिन मैंने छोटा जगह में नहीं मनाएंगे। अगर जहाँ भी आप है ना घर, चाहे कितनी भी छोटा हो, आप दिल बड़ा होना चाहिए, आप दिल से आप खुश करके कोई भी पूजा अगर करेंगे ना, तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मनाएंगी, तो आप लोग जरूर देखना मैं कैसी पूजा करती हूँ, कैसी मनाती हूँ, आप लोग जरूर देखना। तो रात से मेरे घर पर कोई ऐसे नॉन वेज नहीं बनाएंगे, सिर्फ वेज ही बनाएंगे। कल मतलब लक्ष्मी पूजा, जब लक्ष्मी पूजा खत्म नहीं होगी तब तक मैं नॉन वेज मतलब वेज ही बनाएंगे, नॉन वेज नहीं बनाएगी बिल्कुल भी। तो देखो गाइस, मैं अभी रोटी बना रही हूँ, एक बना लिया है अभी, बहुत सारे बाकी है, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, दो दो ही बनाएंगे बनाऊँगी। तो बड़ा बड़ा साइज करके बनाया है मैं, जो एक दिन है ना एक दीदी ने, राजस्थान की एक दीदी है, उन्होंने बना के खिलाया ऐसे बड़ा बड़ा साइज करके, तो बहुत टेस्टी बहुत अच्छा बनते हैं। तो मैं भी ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे छोटे छोटे करके भी बनाती हूँ मैं, जो मेरे हस्बैंड घर पे होता तो मैं छोटे छोटे करके बनाती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, तो ऐसे बड़ा साइज करके बनाती हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर साई है, एक तो बन गई है, बाबा मोबाइल पकड़ना है, आ जाओ जल्दी पकड़, ठीक है। ऐसे पुराना पड़ता है मेरे जो है ना, ऐसे पकड़ने वाला चिमटी नहीं है, ये पता नहीं क्यों छोड़ दिया। तो अभी मैंने पूरा घर को ठीक ठाक किया है, मेरा आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, इतनी गली में है ना पता नहीं ऐसे गली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रहा है अच्छी तरह से। तो अभी घर पूरा क्लीन किया है मैंने, एक पोछा लगा लिया है, घर को ठीक ठाक किया है, टेबल वगैरह बुक वगैरह सब ठीक ठाक किया हुआ है, पूरा सब साफ सफाई किया हुआ है, कोने कोने में सब पोछा लगाया हुआ है। तो जो घर के जो कचरा डस्टबिन मतलब जो चीज़ बेकार है उसको
फेंकने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोरी नहीं एक बैग ऐसे भर गई है, ये डस्टबिन में फेंकना है। तो पूरा साफ सफाई हो गई है मेरी किचन वगैरह, यहाँ पे मैंने घर ठीक ठाक किया है ना, साफ सफाई किया है ना, तो उसमें धूल वगैरह आ जाती है गैस में चूल्हे में, तो इसलिए मैंने कपड़ा ढक के रखा है। तो ये डब्बा वगैरह मतलब जो चावल रखते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं, डब्बा जैसे बड़ा सा, तो ये अभी धो लिया है मैंने, तो यहाँ पे डब्बा वगैरह सब धो लिया है, ये सब डब्बा वगैरह मैंने धो लिया है। ये भी पूरा क्लीन किया है, ये वाल है ना, ये वाल वगैरह सब क्लीन कर लिया है, तो अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो नहीं क्यों, हाँ ये वाल वगैरह क्लीन कर लिया है अभी, यहाँ पर भी मैंने क्लीन कर लिया है कपड़ा मतलब पेपर बिछा के सब बयंग वगैरह डब्बा वगैरह मैंने ठीक ठाक कर लिया है। तो अभी बस नहाना है, नहा के कपड़ा भी धोना है, बहुत सारे कपड़े भी धोना है, आवाज़ से नहीं पता नहीं क्या अच्छे अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बात करते कैसे आवाज़ ऐसी मतलब गले में ऐसे कोई ऐसी किसके मतलब जोर से पका रखा है ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे है ना डब्बा वगैरह बड़ा बड़ा डब्बा वगैरह मैंने दिया है, बकेट भी है सब दिया है, यह छोटा डब्बा भी है सब धो लिया है, ये भी धोना है, ये बरेला भी धोना है, अभी बहुत सारा काम है बाकी है, अभी धोना है, नहाना भी है, कपड़ा भी धोना है, अभी खाना भी बनाना है, अभी अभी बनाया नहीं है बनाऊंगी। तो अभी मैंने पोछा लगा के बस थोड़ा सा अभी बैठी हूँ, तो अभी फिर से काम में शुरू करती हूँ, काम में लगती हूँ मतलब लग जाती हूँ मतलब स्टार्ट करती हूँ। तो आज बारिश आएंगे शायद लग रहा है, सुबह तो इतनी धूप है, अभी धूप तो है लेकिन ऐसा मौसम है ना, कभी तो कभी ऐसे बादल है ना, बादल जैसा मतलब बारिश आने के टाइम ऐसे लग रहा है। तो बस अभी गैस अभी फिर से काम स्टार्ट करते हैं, वीडियो पकड़ने वाला कोई नहीं। अभी मैं खाना बना रही हूँ, का लक्ष्मी पूजा है, मैंने चावल चढ़ा दिया है, पूरा घर क्लीन कर दिया है, गैस भी मैंने धो लिया है। तो आज से मेरे घर पे है ना नॉन वेज नहीं बनाएंगे, सिर्फ वेज बनाएंगे, ये भी मसाला बिना मसाला के बनाएंगे, का लक्ष्मी पूजा है इसलिए मैंने ये है ना हमारे पास से निरामिष बोलते हैं इसको, नॉन वेज को निरामिष बोलते हैं, इसमें कुछ भी मसाला तसला कुछ नहीं डालूंगी मैं, सिर्फ ये हरा मिर्च और थोड़ा जो है ना ड्राई चिली रेड ड्राई चिली डालूंगी थोड़ा सा, और पाँचफूरन बोलते हैं हम लोग उसको, पाँचफूरन डाल के बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने आलू दो आलू डाल दिया है ये भरता बनाने के लिए, भरता भी मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ ऐसे मिर्ची से ऐसे जला के भरता बनाएंगे। काल लक्ष्मी पूजा है तो बहुत हर साल में लक्ष्मी पूजा अच्छे से मनाती है, तो ये साल भी मनाएंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूंगी, मसाला वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। तो गाइस आप लोग देखते रहना,